महू तहसील के ग्राम भैसलाए में महू तहसील की टीम व पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। मकान मालिक लीलाधर, रूपनाथ और पार्वती ने 2 साल पहले मकान निर्माण कर लिया था, जिसको लेकर तहसीलदार ने 2018 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का हवाला देकर मकान तोड़ने का आदेश दिया था। दोनों ही मकान मालिकों ने आदेश का पालन नहीं किया, तो आज प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से मकान तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मकान मालिकों ने जमकर हंगामा किया। एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिलाओं ने जेसीबी और पुलिस प्रशासन पर पथराव भी किया। मामले में किशनगंज पुलिस ने 3-4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। सब भी तोड़ा जा रहा है, सब तो बता दिया। अभी हमारा यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, अभी हम ये बना ही नया है। मतलब देने हम गांव में रह रहे थे पहले, फिर यहाँ पे हमने कहा था करवा। हमारा नाम, मेरा मनी भाई नाम है। कितने में लिया? ये 6 लाख में। मोहन पटेल, हाँ यहाँ ही है, यहाँ यही है वो। हाँ यहाँ नहीं आया है वो, तो घर पे होगा ही आएगा। उसने तो कुछ करवाया ही है, कागज तो दिया नहीं उसने। हाँ उसका ही है मकान सब, वो इसने ही दिया है। हाँ प्रदर्शन से गए थे तो कल कोई सुनवाई नहीं की हमारी, कोई भी सुनवाई नहीं। कल दिन भर तो वहाँ कागज पांडा लेके गए ना, तो वो कलेक्टर ले ऑफिस ले गए, वो ऊपर वाले भैया थे, तो उसने चारों तरफ से लकीर मार दी, काट दिया उसको। किसका? मेरा नाम मनी भाई। प्रॉपर नोटिस दिया गया था, केस दर्ज किया गया था, सुनवाई की गई थी और साक्ष्य और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर 248 का मुकदमा दायर कर इसका फैसला किया गया। कितने मकानों पर कार्रवाई हुई है? यहाँ पर अभी 3 की शिकायत हुई थी, 3 मकानों की, जिन पर कार्रवाई चल रही है। आगे भी कोई कार्रवाई होगी ऐसे? ये कार्रवाई जारी रहेगी। प्रॉपर नोटिस दिया गया है, प्रॉपर हियरिंग की गई है उनकी, जितने अवसर हो सकते हैं सभी अवसर दिए हैं। नोटिस हमने दिया है, वो फाइल को देखने पे पता चलेगा, पर इनका 18/8/2020 में अंतिम निर्णय हुआ था। सर ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, खसरा नंबर क्या है? भैसलाए गांव है ये, खसरा नंबर 263 है, जो कोटवार को सेवा भूमि दी जाती है, उसका मामला है ये। सर यहाँ मकान तोड़ा जा रहा है, सरकारी पीछे कानूनी बनी हुई है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि वो इलीगल है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट लेने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा सर, अगर सरकारी में आता है? ये प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करने उपरांत कोई भी कार्रवाई होगी। संजय गर्ग।